नमस्कार दर्शकों, बंदा समाचार में मैं हूँ ऋचा वर्मा और आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित धामपुर की। धामपुर में पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी सहारनपुर से अफजलगढ़ जाते समय भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रमोद राठी के आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ तथा प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हर क्षेत्र में विकास हुए हैं। इसी का परिणाम है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के मन में दोबारा सरकार बनाने को एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। आज मुझे लखनऊ निकलना था तो एक बार यहाँ रुक करके सभी कार्यकर्ताओं के दर्शन होंगे, सबसे मिलना हो गया। अब भाजपा पार्टी अब चुनावी माहौल है, चुनाव में पूरी तरह से कमर कस करके लगी हुई है। भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक के सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जीजा से जुटे हुए हैं। भाजपा पार्टी ने जीजा जीत के काम किए, जन कल्याण के काम किए, विकास के काम किए, उनके आधार पर निश्चित रूप से भाजपा पार्टी चुनाव में विजय प्राप्त करेगी। उसके बाद जसवंत सिंह सैनी का काफिला नगीना चौक पहुंचा, जहां उन्होंने ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव सिसोदिया, नगर अध्यक्ष राघव शरण गोयल, भाजयुमो जिला अध्यक्ष रवि चौधरी, जिला मंत्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, नामित सभासद राकेश चौधरी, भूपेंद्र सैनी, सुभाष चौहान, दिनेश सैनी, सतमेश सिंह मणि, उदित जैन, सचिन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।